सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोजीनिया को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज तो सौराज में एक नए वीडियो के साथ हैं। तो आज के इस नए वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको बिटकॉइन के ऊपर बताने जाऊंगा कि बिटकॉइन होता क्या है, उसे माइन कैसे किया जाता है और उससे रिलेटेड सभी चीज़ और उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो पहले ही मैं आपको वार्निंग दे दूँ कि ये वीडियो आपको 10 से 15 मिनट जाने ही वाला है। तो अगर किसी को उतना टाइम अगर अपना नहीं देखने का मन है तो मैं पहले बोलूँगा कि आप इस वीडियो को नहीं देखिए, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोग के लिए है जिन्हें बिटकॉइन के बारे में सभी कुछ जानना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बिटकॉइन होता क्या है। तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे हम लोग क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्रिप्टो करेंसी एक इनक्रिप्टेड, एक तरह से आप बोलते हैं मैथमेटिक्स होती है, जिसमें जैसे मान के चलिए आपको बाइनरी कोड होते हैं, जैसे 01110010001010, ठीक है। तो एक तरह से बाइनरी कोड हुआ, उसी को वही कोड एक उसे इंस्क्रिप्ट कर दिया जाता है, जिसे आप लोग नॉर्मल सीधे बातों में बोलो तो नॉर्मल चीज़ों से आप उसे नहीं देख सकते हो, मतलब नॉर्मल चीज़ से आप उसे पढ़ नहीं सकते या उसे खोल के समझ नहीं सकते, वह इनक्रिप्टेड होती है। तो उसी इनक्रिप्टेड मैथमेटिक्स या जो भी चीज़ बोलो, उसकी वैल्यू आज आपको 8 से 10 लाख रुपए हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, 8 से 10 लाख रुपए हो गया। एक बिटकॉइन की दाम अभी इंडिया में INR में आपको 8 से 10 लाख चल रही है वो, और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इसकी मतलब कितना ऊपर जाएगा और कितना लो हो जाएगा, क्योंकि इसे एक वर्टाइल करेंसी बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी ऊपर जा सकता है। इट मींस मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हाई हो सकता है, कभी भी मान के चलिए अभी अगर 10 लाख हो रही है तो कल शायद या 1 घंटे के अंदर ये 50 लाख भी जा सकता है, और 1 घंटे के अंदर $1 भी आ सकता है। पर $1 आने का चांस बहुत कम है और 50 लाख जाने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो एक तरह से जान लीजिए कि एक बहुत ज़्यादा वर्टाइल मतलब करेंसी है। तो ये करेंसी की शुरुआत कब से हुई, तो ये 2008 में इस करेंसी की मांग हुई, ठीक है। 2008 में इस करेंसी की मांग हुई जब पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था। तो उस टाइम एक मतलब इंडिपेंडेंट करेंसी की ज़रूरत थी इंसान को, कि एक इंडिपेंडेंट करेंसी हो जिसे कोई सरकार कंट्रोल ना कर सके, जिससे जो ये करेंसी किसी के हाथ में हो ना कि जब मन चाहे तो हम इतना बढ़ा दें या घटा दें, ठीक है। तो इसलिए ये करेंसी की निर्माण हुई। पर एक तरह से बोला जाए तो इस करेंसी की सोच आपको बहुत ही पहले ही हो गई थी, मतलब 1990 ही में इस करेंसी की सोच हो गई थी कि भाई एक मतलब कम से कम एक इंडिपेंडेंट करेंसी होना चाहिए, आप जैसे बोल सकते हो डिजिटल करेंसी। तो इसकी शुरुआत की थी डीजी कैश नाम की एक कंपनी ने, इसे सोचा था कि क्यों ना एक डिजिटल करेंसी बनाया जाए। पर उस टाइम ये इसलिए फ्लॉप हो गया क्योंकि उस टाइम सिक्योरिटी के मामले में ये बहुत ही कमज़ोर थी हम लोग की सिक्योरिटी, इसे कोई भी हैक कर सकता था इस करेंसी को। तो इसलिए उस करेंसी को हम लोगों ने फिर छोड़ दिया, डंप आउट कर दिया उस सोच को। पर 2009 में कहा जाता है, मैं आपको ये बोल दूंगा, कहा जाता है कि एक नाम सतोशी नाकामोटो, पर एक तरह से मैं बोलूं तो अभी तक कोई नहीं जानता है कि उस कि बिटकॉइन का निर्माता कौन है, बिटकॉइन को किसने बनाया है। तो पर एक तरह से बोला जाए तो जब बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो अमेरिका के न्यूज़ चैनलों ने सोचा कि इसे ढूंढा जाए कि बिटकॉइन का निर्माता कौन है। पर फिर आपको एक जगह से एक आप बोल सकते हो कि सोचिए आप कि न्यूज़ रिपोर्टरों ने ढूंढ भी लिया कि कौन है, तो उन लोगों ने ढूंढा एक सतोशी नाकामोटो का नाम का इंसान। पहली बात से तो उन सभी को लगा कि यही है निर्माता, पर अभी तक किसी को पता नहीं है कि किसने इसे इन्वेंट किया है, ठीक है। तो उसी के नाम पे सतोशी का छोटा भाग को हम लोग सतोशी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बिटकॉइन में बहुत ही ज़्यादा सतोशी होते हैं, एक बिटकॉइन को आप 8 डेसिमल तक उसे आप ब्रेक करके यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान के चलिए आप लोग
0.00000001 सतोशी भी आप उसे यूज कर सकते हो, या 0.0001 भी आप उसे यूज कर सकते हो। तो एक ये मतलब 8 डेसिमल तक आप इसे ब्रेक करके यूज कर सकते हो। हम लोग ऐसे करेंसी में, हम लोग का जो करेंसी होता है नोट या रुपीज, तो 1 रुपए को आप तोड़, मतलब आप उसे हाफ नहीं कर सकते हो, पर 2 रुपए को आप तोड़ के 1 रुपए बना सकते हो। मतलब उसे जब आप चेंज करोगे, चिल्लर मांगोगे उससे, तो 1 रुपए के 2 रुपए आप कर सकते हो। पर बिटकॉइन को आप 8 डेसिमल तक ब्रेक करके उसे यूज कर सकते हो। तो जब मन चाहे आप 0.0001 या जब मन चाहे तो 0.00001 भी आप उसे यूज कर सकते हो। तो बिटकॉइन का यही खासियत है कि आप उसे जितनी मन चाहे उतनी आप तोड़ के मरोड़ के आप चाहे तो उसे यूज कर सकते हो। तो और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये 2008 में आपको बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था, तो फिर 2009 में एक ग्रुप, आपको मैं बोलूँ तो ग्रुप ने मतलब इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट शेयर किया कि आपको बिटकॉइन का, बिटकॉइन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिससे आप बिटकॉइन को माइन कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले कि माइनिंग होती क्या है, उसके बाद में से आगे लूँगा। तो माइनिंग एक तरह से आप समझिए कि आप एक तरह से सोचिए कि ये नहीं होता कि कोयला के खदान में जैसे आप जाके कोयल को माइन करते हो, ये नहीं। ये आपको कंप्यूटर से माइनिंग होती है, एक GPU आपको उसके लिए, हैवी GPU चाहिए, उसके लिए आपको प्रोसेसर चाहिए। तो ये होता है माइनिंग, तो उसके लिए आपको हैवी कंप्यूटर्स होनी चाहिए, तभी आप इसे माइन कर सकते हो। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसे इस तरीका से आप माइन कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि इधर या इधर आपको आई बटन मिल जाएगा ऊपर, आपको मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप कैसे अपने फ़ोन से बिटकॉइन की और क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे हैं बिटकॉइन के, जैसे बिटकॉइन सिर्फ एक ही बिटकॉइन नहीं है, पर उसे हम लोग मदर करेंसी बोलते हैं, क्योंकि वही बिटकॉइन है जो सबसे पहले आया था बिटकॉइन, और वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। ऐसे तो बहुत सारे बिटकॉइन हैं जैसे मतलब सॉरी क्रिप्टो करेंसी हैं जैसे कि एथेरियम, डॉज कॉइन, लाइट कॉइन, रेपल, BTC कैश, आपको बहुत सारे। अगर मैं उसके ऊपर एक एक बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो करेंसी की मैं अगर नाम लेने लगूंगा तो ये पूरा वीडियो आपको उसी में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको आखिर बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होता कैसे है, ये भी आपके दिमाग में होगा। तो बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन ऐसे होता है, जैसे कि मान के चलिए आपको ये मैं हूँ पर्सन, एज अ पर्सन आप मानिए, और ये मेरा आपको मैंने किसी को ट्रांजैक्शन करना है। तो मान के चलिए ये ए है और ये बी है, तो इस दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन मेरा होगा कैसे। इसीलिए 2090 में आपको ये फ्लॉप हो गया था, क्योंकि उस टाइम की सिक्योरिटी की सबसे बड़ी दिक्कत थी, पर आज के टाइम नहीं है। तो इसी के ऊपर आधारित माइनिंग आप कह सकते हो। जैसे कि आपको बहुत ही लाखों कंप्यूटर, मैं बोलूँगा लाखों करोड़ों कंप्यूटर होते हैं, तो जैसे ही आप इनसे इसके बीच में आप ट्रांजैक्शन करोगे तो वो लाखों कंप्यूटर्स को एक आपको सॉल्यूशन भेजा जाता है, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम उन्हें दी जाती है, और उनमें से सबसे पहले जो कंप्यूटर उस मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लेगा उस कंप्यूटर को बिटकॉइन की जो कंपनी है वो मतलब ब्लॉकचेन आप जो बोलो वो एक बिटकॉइन जनरेट करके कुछ परसेंट मतलब कुछ बोलो आप हिस्सा जनरेट करके बिटकॉइन उस कंप्यूटर को दे दिया जाता है। तो इसे ही माइनिंग कहा जाता है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत थी उस टाइम की सिक्योरिटी, बीच में कोई आदमी नहीं था चेक करने का कि यही सही है और ये गलत है। तो आज के टाइम में करोड़ों लाखों मैं बोलूँगा कंप्यूटर्स हैं जो इस दोनों के बीच में आपको मतलब एक तरह से वेरिफिकेशन करते हैं और सिक्योरिटी को देखते हैं। तो यही होता है माइनिंग, और यही होता है सिक्योरिटी, और कैसे आपका ट्रांजैक्शन होता है एक बिटकॉइन एड्रेस से लेके दूसरे बिटकॉइन एड्रेस तक। फिर यही आपको मैंने बता दिया कि कैसे बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आखिर आप सोचते होगे कि बिटकॉइन का दाम इतना ऊपर कैसे जाता है और बिटकॉइन का दाम इतना नीचे क्यों जाता है। ठीक है, आप तो ये जान चुके होंगे इस वीडियो में कि बिटकॉइन एक वोलेटाइल करेंसी है, कभी भी ऊपर और कभी नीचे जा सकता है।
तो बिटकॉइन इसलिए कभी ऊपर जाता है, जैसे कि मान के चलिए अगर कोई यूज़र है, बहुत सारे यूज़र, एक ग्रुप आप बोल सकते हो, एक बहुत बड़ी कंपनियां इसके पीछे होती हैं, ग्रुप कंपनी इसे खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो जब ये परचेस करते हैं तो बिटकॉइन का दाम ऊपर जाता है। ठीक है, आप एक बात जान लो कि इस बिटकॉइन जितना कम होते जाएगा साल दर साल, उतना ही बिटकॉइन के दाम बढ़ते जाएंगे। और जैसे ही वो कंपनियां उस पैसे को, मतलब उस बिटकॉइन को खरीद लेते हैं और वो देखते हैं कि मेरा मुनाफा आने लगा है, बिटकॉइन का दाम, जैसे अगर उन्होंने 5 रुपये में एक बिटकॉइन खरीदा और दाम जाके 10 रुपये हो गया, तो उनका आधा परसेंट, मतलब आधा 5 रुपये एक्स्ट्रा उनके आ गए हैं, तो वो उस टाइम उस पैसे को लेके उस बिटकॉइन को बेच देते हैं। तो वो जैसे बिटकॉइन को बेचते हैं तो वो ऊपर जो करेंसी जाती रहती है वो नीचे जाती है। ठीक है, और इसी पे बिटकॉइन, बिटकॉइन पे सारी करेंसियाँ एक तरह से आप बोल सकते हो उन्हीं के ऊपर सपोर्ट होती है। अगर बिटकॉइन का दाम ऊपर जाएगा तो सारी करेंसी भी ऊपर जाएगी, मतलब स्टेबल रहेगा। अगर बिटकॉइन, अगर बिटकॉइन ज़्यादा देर तक स्टेबल रहेगा तो करेंसी, बाकी क्रिप्टो करेंसी है वो ऊपर जाएगी, और अगर बिटकॉइन नीचे जाएगा, आपको एक तरह से सिंपल भाषा में बोलूँ तो जब तक बिटकॉइन स्टेबल रहेगा तब तक जितनी ओल्ड कॉइन है वो सारे आपको स्टेबल रहेंगे। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे कि आप सोचते होगे कि बिटकॉइन आता कहाँ से, तो जो आप बोलिए एक तरह से सतोशी नाकामोटो जो आदमी, इंसान है, उसने ऐसा तरह का प्रोग्रामिंग, मतलब सॉफ्टवेयर ये जो बनाया बिटकॉइन का, कि ये 21 मिलियन ही सिर्फ बिटकॉइन बना सकते हैं पूरे जिंदगी में ये। ठीक है, तो उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी, मतलब उसमें यूज़ किया है इस सॉफ्टवेयर में कि 21 मिलियन बिटकॉइन आप जनरेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा बिटकॉइन आप जनरेट नहीं कर सकते हो। तो यही एक है जिसके कारण बिटकॉइन का दाम ऊपर जाता है और जाते ही रहेगा। जब तक बिटकॉइन आपको, जितना कम होते जाएगा बिटकॉइन, उतना दाम आपको बिटकॉइन का बढ़ते रहेगा, और ये आपको लास्ट बिटकॉइन जनरेट होगा 2100, सॉरी 2140। ठीक है, 2140 में आपको ये बिटकॉइन, लास्ट बिटकॉइन आपको जनरेट होगा। तो यही था फ्रेंड्स बिटकॉइन के बारे में, और मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो अगर मेरे से कुछ बिटकॉइन के बारे में मिस हो गया तो आप प्लीज़, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में मेरे को बता देना कि बिटकॉइन का आपको कुछ, अगर आपको पता है तो। चलिए हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपको 2009 में हुआ था, वो भी किस दो आदमी के बीच, आपको एक सतोशी नाकामोटो और हेल्फनी के बीच में हुआ था, वो भी कितने डॉलर, कितने बिटकॉइन का, तो वो 10 बिटकॉइन का हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, 10 बिटकॉइन का हेल्फनी और आपको मतलब सतोशी नाकामोटो। और जब अमेरिकन न्यूज़ आदमी ने उस सतोशी नाकामोटो को ढूंढा, तो आपको हैरानी होगी सुन के कि जो हेल्फनी था और सतोशी नाकामोटो था, तो सतोशी नाकामोटो के घर और हेल्फनी के घर के दूरी में बस 20 घरों की दूरी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, 20 घरों की दूरी थी उस दोनों घर के बीच में। ठीक है, और दूसरी मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि जो आप एक बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन में आपको इतनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है कि आप अपने घर को 1 सप्ताह तक, अपने घर को बिजली आप लगातार दे सकते हो सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के बीच में। चाहे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, आप जैसे कितने भी बिटकॉइन का आप, जो भी आप ट्रांजेक्शन करो, जैसे 0.001 या 00101, ठीक है, तो इतने का भी आप किसी भी आप बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन करते हो या सतोशी का, तो उस दोनों के बीच में जो आपको कंप्यूटर्स की एनर्जी खर्च होती है, आप 1 सप्ताह तक अपने घर को रोशन कर सकते हो। ठीक है, दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि माना जाता है कि जो सतोशी नाकामोटो है, बोला जाता है कि उसने पहले ही से मतलब आपको बोलूँ तो मैं 1 मिलियन बिटकॉइन उसने जनरेट करके पहले ही से अपने लिए रखा था। 1 मिलियन फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो, 1 मिलियन बिटकॉइन उसने अपने लिए पहले से जनरेट करके रखा था। तो इस हिसाब से आप मानो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी सतोशी नाकामोटो है, अगर ये सच है तो।
आप समझ सकते हो बिल गेट्स से भी वो ज़्यादा अमीर हो जाता है इस मामले में। और चलिए दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि एक अमेरिका में आदमी था, उसने 2010 में एक पापा जून्स का पिज़्ज़ा खरीदा था, वो भी कितने बिटकॉइन में, तो वो 10,000 बिटकॉइन में। जी हाँ फ्रेंड्स, 10,000 बिटकॉइन में, उस हिसाब से अभी 1,000 करोड़ का एक पिज़्ज़ा, सिर्फ एक पिज़्ज़ा उसने खरीदा, वो भी नॉर्मल पिज़्ज़ा, कोई बड़ा पिज़्ज़ा नहीं था, कोई महंगा पिज़्ज़ा नहीं था कि उसमें कितने लाख चीज़ की स्लाइसेस थी, सिर्फ एक नॉर्मल पिज़्ज़ा जो आप मान के चलो डोमिनोज में आप खाते हो पिज़्ज़ा, उस पिज़्ज़ा को उसने 10,000 बिटकॉइन में उसने परचेस किया था, पापा जोन का पिज़्ज़ा। तो एक तरह से माना जाए तो दुनिया का सबसे अमीर महंगा पिज़्ज़ा उसे माना जाता है। और इससे हमको ये भी सीख मिलती है कि अगर उस आदमी ने इसे समझा होता तो आज वो 1,000 करोड़ का मालिक होता। आप खुद समझो, 1,000 करोड़ का उसने पिज़्ज़ा खा लिया, सिर्फ एक नॉर्मल पिज़्ज़ा। दूसरी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि एक यूके में एक लड़का था जिसने सिर्फ 1,800 रुपये में आपको 7,000 बिटकॉइन उसने खरीदी थी, और वो 7,000 बिटकॉइन को उसने एक हार्ड ड्राइव में डाल दिया था। फिर आप एक बात सुनो कि उसने उस हार्ड ड्राइव को फेंक दिया, पर जब उसे पता चला कि बिटकॉइन का दाम, और वो मतलब खरीद करके उस बिटकॉइन को हार्ड ड्राइव में डाल के भूल गया था और उस बिटकॉइन को उसने फेंक दिया, तो आप खुद समझो कि मतलब अगर उसने इस बात को सोचा होता, समझा होता, तो वो भी कितने करोड़ का मालिक बैठा होता। और कुछ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ, एक आदमी था जिसने कुछ 1500 या 1600 रुपये में आपको एक उसने मतलब 1500 या 1600 रुपये में बिटकॉइन उसने खरीदा, और बिटकॉइन को खरीद करके वो भूल गया, पर आज के टाइम में जब उसे याद आता कि उस बिटकॉइन का दाम कितना ज़्यादा हो गया, तो उस बिटकॉइन को आपको बिटकॉइन को बेच करके 100 करोड़ से ज़्यादा महंगा उसने घर खरीदा है, और उसे उसके पास अभी 500 करोड़ रुपये बाकी हैं, ठीक है, सॉरी 400 करोड़ रुपये बाकी हैं फ्रेंड्स, ठीक। और एक लास्ट में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि एक ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी था जिसने 1,000 बिटकॉइन उसने माइन करके शुरुआती टाइम में उसने सिर्फ अपने कंप्यूटर से जनरेट करके रखा हुआ था, और उस बिटकॉइन को मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो उस आदमी ने जो माइनिंग की वो एक तरह से अपने शौक के लिए की, कुछ पैसे के लिए और कुछ के लिए नहीं की थी। शुरुआती टाइम में उसने उस बिटकॉइन को माइन किया था अपने नॉर्मल कंप्यूटर से, जो वो कंप्यूटर अपने घर में यूज़ करता था। उसके बाद वो जब 2015 या 2016 में उस आदमी ने बिटकॉइन के बारे में जाना कि बिटकॉइन का दाम इतना ज़्यादा हो चुका है, तो फिर वो आदमी ने मतलब वो आदमी ने जो भी माइन करके रखा हुआ था वो अपने पेन ड्राइव में उसने सेव करके रख दिया था, ठीक है। और जैसे ही उसने उस न्यूज़ को सुना कि बिटकॉइन का दाम इतना ज़्यादा हो गया है, तो उस बिटकॉइन को उसने खोजने की शुरुआत की अपने पेन ड्राइव को, कि पेन ड्राइव आखिर गया कहाँ है। तो जब उसने पेन ड्राइव को खोजा और उसने अपने कंप्यूटर में लगाया, तो आप सोचिए कि उसका पेन ड्राइव पूरी तरह से करप्ट हो गया था। उसके जितने बिटकॉइन थे वो बिटकॉइन उसने लॉस कर दी, मतलब हाथ में आई मछली उसने गवा दी। तो इससे हम लोग को एक सीख मिलती है कि अगर आपको कोई चांस मिल रहा है तो उस चांस को आप लोग गवाओ नहीं। और मैं बोलूँगा कि आपके फ्यूचर के लिए अगर आप बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास इतना दम है, तो आप बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इसकी वैल्यू बिटकॉइन की लिमिटलेस आप बोल सकते हो, कितना भी जा सकता है डॉलर्स में। बिटकॉइन का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ओल्ड कॉइन में इन्वेस्ट करो, जैसे कि आपको बहुत सारे आपको क्रिप्टो करेंसी मिल जाएंगे जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो 1-2 साल 3 साल में आपको उसकी पैसे आपको दुगने तिगने चौगने भी मिल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा रिपल, आपको डॉज कॉइन, लाइट कॉइन, एथेरियम, ये सब तो अभी महंगे हैं। अगर आप बहुत ही कम में इन्वेस्ट कर सकते हो तो रिपल आप कर सकते हो, डॉज कॉइन कर सकते हो। पर मैं आपको बोलूँगा कि ये मेरा राय है, आप जो भी खरीदो या बेचो तो वो अपने रिस्क पे आप खरीदो, तो उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं होता हूँ। अगर मैंने बोला कि $1 आज जा सकता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि $1 आज जाएगा, हो सकता है कि वो $1 के बजाय और नीचे उसका दाम गिर जाए, और हो सकता है कि $1 के बजाय $5 हो जाए। तो ये आपके ऊपर रिस्क है, आप रिस्क लो,
मैं बोलूंगा कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करो जितना आप सह सकते हो। एक तरह से अगर आप बिटकॉइन किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इतने पैसे सोच के आप उसमें इन्वेस्ट करो कि अगर इसका कोई नुकसान भी होता है, मेरे को अगर 1 रुपये का प्रॉफिट भी नहीं होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपने ज़मीन जायदाद को गिरवी रख के आप बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करो, और अगर आपका पैसा अगर सारा डूब जाता है तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रिस्क लेने के लिए सही है, पर आप अपने ओन रिस्क पे लो और इतने पैसे लगाओ जितने आपके अगर डूब भी जाते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर मेरे से कुछ फैक्ट्स या कुछ भी मेरे से इंफॉर्मेशन मिस हो गई है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर आपको पता है इंटरेस्टिंग फैक्ट बिटकॉइन से रिलेटेड और आपको इससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता है तो आप बिटकॉइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो। अगर आपने कोई भी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी आपने इन्वेस्ट किया तो मेरे को बताओ, मेरे को अच्छा लगेगा कि आपने किसी के अंदर इन्वेस्ट किया और मतलब किसने आप मतलब किस क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्ट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बस इतना ही था आज के लिए, इतना ही मैं कहूँगा। इस वीडियो को आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं। और भाई का चैनल भाई सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। और अगर आपने हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पर कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा।